हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इस पूरी कहानी में एक डेंजरस सिचुएशन की बात की गई है, जो कि है कि डॉक्टर के रूम के अंदर एक स्नेक आ गया है। पर इस पूरी सिचुएशन को राइटर ने बड़े मजाकिया फनी तरीके से डिस्क्राइब किया है। अब दोस्तों, राइटर ऐसा कैसे कर पाया है हमें इस चीज को बताना है। क्वेश्चन में हमसे ये भी कहा गया है कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम कोशिश करें कॉन्ट्रास्ट को यूज करने की, कि यहाँ पे राइटर बनना क्या चाहता है बट रियलिटी में वो है क्या, वो शादी किसने करना चाहता था पर उसने शादी किससे करी। यहाँ पे जब वो पहली बार स्माइल करता है तो क्या सोचता है, पर सेकंड टाइम स्माइल करता है तब उसकी थिंकिंग क्या डिफरेंट होती है। अगर हम ये कॉन्ट्रास्ट को यूज करें तो दोस्तों आंसर को बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा जा सकता है। देखिए, हमने कहानी में देखा कि यहाँ पे जो राइटर है वो खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है, खुद को एक बैचलर हैंडसम डॉक्टर कंसिडर करता है, पर दोस्तों रियलिटी में वो बहुत ही स्टूपिड और फुलिश पर्सन है। हमने देखा कि डॉक्टर होते हुए भी उसके पूरे रूम में कोई भी वहां पर मेडिसिन नहीं थी, इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को कैसे ठीक करना है उसको नहीं आता था। फिर दोस्तों हमने ये भी देखा कि वो अपनी लाइफ में एक फैट लेडी डॉक्टर से शादी करना चाहता है, बट जिससे वो रियलिटी में शादी करता है वो डॉक्टर है या नहीं ये तो पता नहीं, बट वो फैट बिल्कुल भी नहीं होती, वो बहुत ज्यादा पतली लंबी और तेज भागने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है। यानी कि दोस्तों रियलिटी में कुछ डिफरेंट ही होता है। हमने ये भी देखा कि वो खुद की वेस्ट को बहुत गंदा कंसिडर करता था, पर जब चोर उसको छोड़ गया तो वो कहता कि जो चोर है वो उसको बहुत ही इजीली धोके पहन सकता था, तो उसने वो वेस्ट को चोरी क्यों नहीं किया। दोस्तों ये भी काफी फनी इंसिडेंट था। साथ में वो जब खुद को शीशे में देखता है तो अपने फेस के रिगार्डिंग वो अलग अलग डिसीजंस लेता है, जैसे कि वो रोज शेव करेगा, हमेशा स्माइल करेगा। और दोस्तों ऐसा ही कुछ जब स्नेक के साथ होता है, जब वो स्नेक है वो खुद को शीशे में देखता है तब वो इमेजिन करना शुरू कर देता है कि ये स्नेक क्या सोच रहा है, कि मुझे बिंदी लगानी चाहिए नहीं, मुझे मस्कारा या फिर आई शैडो यूज करना है, तो ऐसी चीजें वो स्नेक के बारे में भी सोच रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये वो सारी चीजें थी जिससे कि ये पूरी कहानी काफी फनी बन जाती है, और इसी चीज को हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन का रिटन सॉल्यूशन जरूर विजिट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करने का बेस्ट वे क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहते हो तो रिविजन लेक्चर भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।